हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी कमर का इलाज खुद कैसे कर सकते हैं। आप हमेशा परेशान रहते हैं कि आपको कमर में दर्द है, लेकिन कमर का एक्यूप्रेशर या फिर कमर में तेल की मसाज करना या सिकाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद की कमर का दर्द आप खुद अपने से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना दवाइयों के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, ये चीज देखिए। सबसे पहले तो आपको देखिए बैक बोन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें क्या होता है कि जितनी भी नर्व होती हैं, जितनी भी नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, वो सारी रीढ़ की हड्डी से होकर के ही सारे शरीर में फैलती हैं। अब जब आपकी रीढ़ की हड्डी में ही प्रॉब्लम है तो आपको सारे ही शरीर में दर्द होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपने बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन वो अच्छे से आपको रोशनी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वोल्टेज नहीं आ रही है। तो वही चीज आपके बैकबोन के साथ होता है कि बैकबोन है ये ठीक है, लेकिन बैकबोन में जो पावर होनी चाहिए वो पावर नहीं आ रही है। तो आज मैं आपको वही बैकबोन में पावर कैसे आप एक्टिवेट करेंगे अपनी बैकबोन को, वो मैं बताऊंगी, और वो भी बिना किसी हेल्प के, बिना किसी की हेल्प के। तो चलिए देखिए देखिए, जो ये एक्यूप्रेशर के लिए ही होता है, इसको हम नॉर्मली करेला बोलते हैं, ठीक है। तो ये इजीली किसी भी स्पोर्ट शॉप पर मिल जाता है, ठीक है, जहां पर खेल कूद का सामान मिलता है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसकी पिक दिखा दीजिएगा, मैं आपको पिक साइड में लगा दूंगी इसकी, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अब आप क्या करेंगे, देखिए आप पीछे से, ये जो हमारी पीछे के जो ये चैनल बने बने हुए हैं, ये सारे चैनल पर आप क्या करेंगे, ऐसे मसाज करेंगे, इससे धीरे धीरे करके मसाज करेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे। इस वाले हाथ पर भी मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, आप किसी भी टेबल पे हाथ को टेक कर और फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा दोनों हाथों में करना है, ठीक है, दोनों हाथों में आपको ऐसे करना है, अंगूठे में भी करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो बैक बोन है वो एक्टिवेट होगी, और बैक बोन के एक्टिवेट होने से आपके शरीर के जो बाकी के अंग हैं, बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपका जो कमर का दर्द है, पैरों का दर्द है, पिंडलियों में दर्द जो रहता है, वो सारे दर्द खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक्यूप्रेशर करने से। कब करना है ये एक्यूप्रेशर, ये आप दिन में 3 बार कीजिएगा, सुबह दोपहर शाम को, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के तुरंत बाद एक्यूप्रेशर कभी मत कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि कितनी देर करना है, ये आपको 7 से 8 मिनट के लिए एक बार में करना है, ठीक है। तो इससे आपकी जो बैकबोन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।